हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको बताने वाले हैं तीन अंक की संख्या का गुना, चार अंक की संख्या का गुना, दो अंक की संख्या का गुना बहुत ही शानदार खतरनाक ट्रिक के द्वारा। तो ट्रिक तो जरूर पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि आप वीडियो को बिना शेयर किए हुए नहीं जाएंगे, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को जरूर भेजेंगे। तो आइए सीखते हैं क्या मैजिक है, क्या जादू है गुना करने का। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं आप तीन अंक की संख्या, लेकिन ये सारे संख्या 1000 के आसपास की संख्या है। दोस्तों कितने के पास की है? 1000 के आसपास की है। तो आपको गुना कैसे करना है ये देखना है। इसको देखिए कि 1000 से कितना कम है तो 2 कम, ये 1000 से कितना कम है तो 8 कम। इन दोनों को गुना करके लिखिए 8 × 16, 8 × 16 हो गया। लेकिन एक काम और करना है दोस्तों, एक काम और करना है कि इसको 3 अंक में लिखना है। जब 1000 के आसपास की संख्या है तो 3 अंक में लिख देना है। अब क्या करना है, क्रॉस घटा दीजिए। 992 में से 2 घटाइए या 998 में से 8 घटाइए। 998 में से 8 घटा देंगे 990 हो जाएगा। और यही हो गया आपके सवाल का सही जवाब, एक लाइन में आप गुना कर लिए। ये देखिए जरा, ये कितना कम है 1000 से तो 11 कम, ये कितना कम है भैया 4 कम। गुना करके लिखिए 11 × 44, लेकिन लिखना है 3 अंक में, 0 इधर बैठा दिए। अब क्रॉस घटा दीजिए, क्रॉस घटा दीजिए। अगर इसी में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 985 हो जाएगा आपका। 989 में से 4 घटा दिए 985, बस ये हो गया आपके इसका गुणनफल। अगर इसका बनाना है तो 1000 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये 5 × 20 लिखिए, लेकिन इसको 3 अंक में ही लिखना है, 1000 के आसपास की संख्या है। तो अब क्या करना है, क्रॉस उस बार घटाए थे इस बार जोड़ेंगे, तो 1005 में 4 जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे हो गया भाई, देख लो सिंपल। इसमें देखो ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 7 × 28, लेकिन लिखना है 3 अंक में और क्रॉस जोड़ना है, ज्यादा है तो जोड़ना है। तो 1004 है, 7 जोड़ दीजिए, 1007 में जोड़ेंगे 1011 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 1011। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, क्लियर। आइए आते हैं अगला सवाल पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जो हमारे सामने प्रश्न है, ये तो 100 से कम है या 100 से ज्यादा है। यहां देखिए 98 92 है, तो इसको देखना है कि 100 से कितना कम, 2 कम, ये 100 से कितना कम, 8 कम। इन दोनों को गुना करिए 8 × 16। हाँ, जब 100 के आसपास की संख्या है तो 2 अंक में रहना चाहिए, 8 × 16 2 अंक में है। अब क्रॉस घटा देना है, 92 में से 2 घटा दीजिए 90, 92 में से 2 घटा दिए 90, या 98 में से 8 घटा देते तो भी 90 आ जाता। क्रॉस घटा दीजिए, ऐसे भी घटा सकते थे। ये देखिए 100 से 5 कम है, ये 100 से 7 कम है, तो इन दोनों को गुना करके लिख देना है 7 × 5 = 35। अब क्या करना है, क्रॉस घटा देना है, क्रॉस, या तो आप 95 में से 7 घटा दीजिए, तो 95 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 88, ये आ जाएगा आपका। या आप 93 में से 5 घटा देते तो भी 88। यहां देखिए 104, अब 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 100 से 7 ज्यादा, 7 × 28 2 अंक में लिखा। अब ज्यादा है तो जोड़िए, क्रॉस जोड़ना है, 104 में 7 जोड़ेंगे 111, या 107 में 4 जोड़ देते हो जाता। अब देखिए ये 8 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, 8 × 7 = 56। अगर मान लीजिए यहां 3 रहता, 2 रहता, तो 3 × 2 = 6 और फिर एक 0 लगा देते, ऐसे होता गुना। अब देखिए 108 से 8 ज्यादा, 107 है तो 100 से 7 ज्यादा, 8 × 7 = 56। अब क्रॉस जोड़ देना है, 107 में 8 जोड़ देंगे 115 हो जाएगा, या 108 में 7 जोड़ते 115, ऐसे हो जाता। अब जरा देखिए आगे जो अब देखने वाले हैं आप, बहुत ही खतरनाक। यहां पर कोई 100 के आसपास या 1000 के आसपास की संख्या नहीं है, लेकिन इसमें भी एक बात है कि 3-3 अंक की संख्या है, बीच में सब में 0 है। 3-3 अंक की संख्या है लेकिन बीच में सब में क्या है, 0 है। तो गुना करने का तरीका है दोस्तों, देखो इसको लिख देना है पूरा 5 × 20, लिख दिया 5 × 20, इसको लिख देना है 6 × 5 = 30। अब बीच में क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस गुना करके, जैसे 5 × 25
और 4 × 6 = 24, इनको ऐड करके यहां लिख दीजिए, 24 × 25 कितना होता है 49। याद रहे ये पांचों के बीच जो लिखते हैं दो अंक में जरूर रहना चाहिए, नहीं तो दो अंक बना लेंगे। ये देखिए 9 × 8 कितना होता है 72, ये 3 × 4 कितना होता है 12। अब क्या करना है बीच में, ये 4 × 9 = 36, 8 × 3 = 24, 24 × 36 ऐड करके लिख देना है यहां 60 हो गया। अब देखिए ये 3 × 2 = 6, लेकिन इसको दो अंक लिख देना है, 3 × 2 = 6 हो गया, ये 8 × 7 = 56। अब ये 7 × 21 हुआ और ये 8 × 2 = 16 हुआ, 16 × 21 होता है 37, बस 37 बीच में रख दिए। यहां पर देखिए 5 × 3 = 15 कोई दिक्कत नहीं, दो अंक है, 6 × 36 कोई दिक्कत नहीं, अब ये 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, 18 × 30 होता है 48 हो गया। तो आपने देखा बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से आपने ये गुना सीखा। अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आपके सामने आते या कैलकुलेशन जब भी करना हो तो आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।